हाय दोस्तों, आई एम जरूर मुनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जयसेना ब्लॉग। तो मैं स्वागत करता हूँ आज दिन भर का ब्लॉग में आप सभी लोगों को। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए और आज मेरा साथ क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या खाऊँगा, किससे मिलूँगा, क्या बात करूँगा, मैं 100% से 20 या 15% आप लोगों का साथ शेयर करूँगा। तो ऐसे ही ब्रश कोटे कोटे गार्डन तक पहुंच गया हूँ देखने के लिए। अच्छा लगता है यार ऐसे ही देख करके। 2 सप्ताह से ज़्यादा भी हो सकता है, सो मैं कपड़ा पहनता हूँ काम करने के लिए, फिर से खोल लेता हूँ, फिर से धूप में सुखाता हूँ, फिर से वही पहनता हूँ, लेकिन वो कपड़ा धोने के लिए समय ही नहीं होता यार। तो आज मैं सोच रहा हूँ इसको जैसे तैसे करके सभी का सभी कपड़ा मैं धो ही डालूँ। ठीक है, और मतलब अभी ऐसा बासन लिया हूँ मैंने, वहाँ पे ये बासन है। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं पानी दे दूँगा और साफ डाल करके रख दूँगा, और खाना बना खा करके सुबह का खाना 10:30-11 बजे में इसको सभी की सभी में धो डालूँगा। तो अभी क्या है कि ये जितना कुछ कपड़ा है ना यहाँ पे डोम, इसको मैं अभी पानी में भिगा करके रखूँगा। ठीक है, और 2-2.5 घंटा के बाद इसको मैं पूरा का पूरा पूरा हाथ से खोस करके उसको मैं बाद में धो डालूँगा। दिन ऐसे वैसे करके ढलते जा रहा है, ढलते जा रहा है, फिर से एक रात जा रहा है, दिन जा रहा है, नया दिन आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करके मेरा साथ तो बहुत सारा दिन हो गया है। मैं यहाँ पे केला जो गठान हो, पेड़ हो, मैं यहाँ पे लगा ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत दिन ऐसा हो गया यार, और 1 सप्ताह ऐसा हो गया होगा शायद। मैंने केला का पेड़ को गार्डन से उठाया था, इसको ऐसे ही काट करके रखा हूँ यार। तो और एक बात है, गर्मी की वजह से मैं काम कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, और आज जैसे तैसे करके जितना कुछ मुझे खुटी मारना है ना, जहाँ पे केला लगाने वाला हूँ, वो खुटी मार करके मैं ख़त्म करने वाला हूँ, जैसे भी करके ख़त्म करना पड़ेगा। और मौसम अच्छा होगा तो पूरा गड्ढा बनाना पड़ेगा। ठीक है, और मैं गोबर, सूखा हुआ गोबर, ठीक है, और कुछ वहाँ पे खाद दे करके रखा हूँ, उसको जैविक खाद बना रहा हूँ। ठीक है, नेचुरल खाद बना रहा हूँ, मैं खुद एक खाद तैयार कर रहा हूँ वहाँ पे कुछ शीश मिला करके। सो यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी केला का गड्ढा बनाऊँगा ना, वहाँ पे 1/2 kg 500 ग्राम 500 ग्राम ऐसा वाला मैं खुद बनाया हुआ खाद दे दूँगा और पौधा को लगा दूँगा, तो जल्दी जल्दी ग्रोथ आएगा। और यहाँ पे ऐसा कुछ ही है आज संडे का खाना। ठीक है, और यहाँ पे कुछ
दाली सब्जी, यहाँ पे साना कुछ, इसको सतना ऐसा कुछ बोल रहे हैं ना, सतना सतनी जो भी कुछ हो। मेरा कपड़ा जितना कुछ भिगा करके रखा था सभी का सभी मैंने धो लिया, ठीक है। और अच्छा हो बुरा हो कोई बात नहीं, ठीक है। और सभी का सभी मैंने धो लिया, वहाँ पर भी है, और सभी सभी मैंने धो लिया। और अभी एक भाई आ गया है मेरा, हमारे घर में मुझे कुछ कामों में हेल्प करने के लिए, और यहाँ पे ही है। तो हम दोनों ने अभी कुछ काम करेंगे। यहाँ पे जो गोबर है ना, यहाँ पे कुछ मैं दवाई दे करके मिक्स करके रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको अभी भाई फिर से इसको मिक्स कर रहे, ठीक है। तो इसको मैं जो भी खाद बना रहा हूँ, ठीक है। अभी ऐसे ही कोठाल का पेड़ के नीचे पर बैठा हुआ हूँ, और अभी मेरा हाथ में एक बीड़ी और एक मेस, अभी इसको पीने वाला हूँ, ठीक है। और आप लोग ये बुरा वाला से मौत पिए, ठीक है। और जिसका साथ ये नशा हो जाता है ना, ये सो नहीं पाता है, जैसे भी करके यार। सो क्या ही बताऊँ यार, और मैं आप लोग को दिखाने के लिए खा रहा हूँ, खा रहा नहीं खाऊँगा, पी रहा हूँ, पीऊँगा, ठीक है, आप लोग को दिखाने के लिए। বিখিনি বেয়া मेरा हाथ पे देखिए, ये कौन सा फ्रूट है, आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका हिंदी का मुझे पता नहीं यार कौन सा नाम है, लेकिन इसको असमिया में हम बोलता हूँ बेल, ठीक है। और इसको खाने में अच्छा ही लगता है, इसको सुगंध भी अच्छा है यार। उसका अंदर में बहुत सारा ऐसा सीट है, और बहुत ही ख़राब वाला सीट है यार। जो सीट को हम नहीं खाते हूँ, नहीं खाता हूँ, दूसरा कुछ जो यहाँ पे वो निकलता है ना खाने वाला से, वो कुछ सभी कुछ खा लेता हूँ। इसको अभी घर में लेकर आए हूँ। हमारे घर में एक ये बेल का पेड़ है, तो नीचे पे गिरा हुआ था, ये शायद पक गया है, इसलिए इन बेल से खुशबू भी आ रहा है, ठीक है। ओ कल का वीडियो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है एडिटिंग करके, ठीक है। और कल का वीडियो का लंबाई है 15 मिनट 16 सेकेंड, ठीक है। सो हो गया कल का वीडियो अपलोड कंप्लीट। तो अभी घर जाता हूँ, मेरा फेस देखिए कैसा है ना। सो अभी मैं आंगन में हूँ, और अपनी घर की, अपना घर की, तो इतना तेज़ धूप गिर गया यार, क्या ही बताऊँ। पूरा का पूरा मेरा जो स्किन है ना अभी जल रहा है यार। ज़्यादा देर यहाँ पे मैं टाइम यहाँ पे रुक नहीं सकता यार, इतना तेज़ धूप है। चलो अभी काटता हूँ बाल। हाँ अभी मेरा हालत देखिए, सो मैं ऊपर का नहीं काटूँगा, ठीक है। और मैं ये साइड का मार दूंगा, और बियर थोड़ा सा पतला बना दूंगा। अभी मेरा पास है केमी मोटर, तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए पहले मैं कैसा लग रहा था और अभी कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। बाल तो मैंने काट लिया, लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं नहा रहा हूँ, ठीक है। नहाऊँगा, कुछ हार्ड वर्क वाला काम कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जितना कुछ कुटी मार करके रखा हूँ ना, यहाँ पे अभी मैं वो करूँगा, क्या बोलते इसको, गहरा गड्ढा बनाऊँगा, ठीक है। चलिए अभी
यहाँ पे गड्ढा बना लेता हूँ। और आज के लिए कामों को हमने समाप्त किया और कल सुबह जल्दी उठ करके फिर से यही हिसाब किताब कामों में हम लगेंगे। तो अभी घर जाता हूँ और नहाता हूँ, ठीक है, और खुद को फ्रेश करता हूँ। अभी मेरा पूरा शरीर में देखिए पूरा बाल लगा हुआ है, इसको मुझे अच्छी तरीके से धोना है। और आप लोग कमेंट करके बताइए पहले मैं कैसा था, अभी बाल काट करके कैसा लग रहा हूँ। अभी मेरा मूंछ भी मैंने पतला बना दिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा 3 नंबर मैंने मार दिया। तो अभी चलिए घर जाता हूँ और भाई दोनों को भिजा देता हूँ, उन दोनों को कुछ केला का पेड़ छोटा छोटा पेड़ मतलब उठा करके दे देता हूँ, वो लेके जाएगा घर में लगाएगा, ठीक है। तो चलिए घर में मिलता हूँ। अभी मैं खाने वाला हूँ रात का खाना और अभी बैठा हुआ हूँ किचन घर में और मैं इसको चावल को और सब्जी को मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, अभी खा लेता हूँ। और इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है रात का खाना। तो कुछ छाना और उसको सतना बना लिया और कुछ जैक फ्रूट का वो सीप और कुंडली जंगली का कुछ पेड़ और दाल होगा शायद। तो ऐसा ही खाना, कुछ ऐसा मीट फिश अंडा ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो रात का खाना खा लेता हूँ और आप लोग भी खाइए, ठीक है। मसाला बहुत है, आंगन में जा करके मैं कर रहा था कल का वीडियो एडिटिंग। सो कल का वीडियो को मैंने यार सभी का सभी मैंने जोड़ लिया यार, 2 घंटा 43 सेकेंड हो गया यार। इसको काट करके मैंने अभी अभी तक 42 मिनट कितना कुछ बना करके रखा हूँ, ठीक है, एडिटिंग करके। सो कल इसको दोपहर में इसको देखेंगे, ठीक है। और अभी तो कुछ मैं नहीं करूँगा, अभी सोने वाला हूँ और आँखों में थोड़ा नींद भी है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा नींद है। अब बिस्तर को देख करके ऐसे ही लगता है यार सो जाऊँ, अभी सोने वाला हूँ, ठीक है। सो आज का ब्लॉग मैं समाप्त करता हूँ अपने रूम पर। तो आज का ब्लॉग आप लोग को देख करके अभी तक कैसा लगा बताना, और अभी तक आप लोग को देखते रहने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग मुझे प्यार दीजिए और मैं हर दिन क्या कुछ करता हूँ आप लोग को देख करके पता ही चलता है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए मैं कुछ गलती किया हूँ, कुछ मुझे सुधारना चाहिए और वीडियो को मतलब दूसरी तरीके से बनाना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए। तो आप लोगों को कौन सा वीडियो, कैसा वाला वीडियो आप लोगों को देखने के लिए अच्छा लगता है और मुझे मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा ऐसा आप लोगों को लगता है, मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगा। तो चलो जो भी हो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है।
अभी सोता हूँ, तो कल जल्दी उठेंगे और जल्दी आप लोगों को मिलेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों।